डोगर साहिब जो कि दुनिया पर सरदमी तो तशरीफ ले रहे तमाम दोस्तों इस नूरानी वजदानी ईमानी महफल के अंदर शिरकत की पुरजोर अपील की जाए और इस तरह उस महफल के अंदर भी तारक साउंड वाले मोहब्बत नाल नाल होनगियां तमाम दोस्त महफल के अंदर शिरकत करके सवाब दरैन हासिल करना और यकीनन बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि बड़ा चिश्ती साहब जिन्हें फेसबुक से तो ज़ियारत होती रहनी है तो तकरीबन रबी उल शरीफ के बाद ये पहली दफा इन्होंने बराह रास्त ज़ियारत भी हो रही है तो बड़ी खुशी महसूस हो रही है तो इन्हों को दाद भी वसूल करनी है जे अगर इन्होंने दिल किया तो दाद भी ले लवेंगे एक बार मुहब्बत न बोलो सुभान अल्लाह माशाल्लाह मेरे सामने बुजुर्ग तशरीफ फरमा ने सफेद दाड़ियाँ वाले तो किबला चिश्ती साहब जिस कैफियत नाम वेख रही हूँ कि मैं बंद नौजवान भी सुन रहे हैं लेकिन बुजुर्ग जिस कैफियत न सुन रहे हैं इन्होंने चेहरे पर सफेद बाल आ गए तो मैं फिर यो गल करा इन्होंने दिल की तमन्ना की तवज्जो नाल मेरे समाप्त फरमाओ कि कोई जा आखो अरबी ढोल ताई हालो सोने असा बेहाल हो गए कोई जा आखो अरबी ढोल ताई हालो सोने असा बेहाल हो गए अगे गैर सानू ताने मारते सन हुण ते अपने भी गैर नाल हो गए कोई जा आखो अरबी ढोल ताई हालो सोने असा बेहाल हो गए कदों खैर दीदार दा पावण आई अरसा करदियां नू किन्ने साल हो गए अगे गैर सानू ताने मारते सन हुण ते अपने भी गैर नाल हो गए हुण ते करम सरदार ते चाहीदा ए अरसा करदियां दे चिट्टे वाल हो गए हुण ते करम सरदार ते चाहीदा ए अरसा करदियां दे चिट्टे वाल हो गए ते बुजुर्ग बोल क्यों रहे ने इस वजह तो बोल रहे ने कि सरकार वाल जिहदा भी ध्यान हो जाता है फिर बुढ़ा जिहा बंदा भी जवान हो जाता है फिर बुढ़ा जिहा बंदा भी जवान हो जाता है अपनी हाजिर पेश करेगा मुहब्बत नारायण तकबीर नारायण विशाल नारायण विशाल नारायण।